शुक्र तो ऑनलाइन वाले आप लोग ये बता दें, मैसेज करके आवाज आप सबको आ रही है? मैसेज करके बताएंगे। न्यूकमर? न्यूकमर कौन कौन है और कौन है जिसने पहली दफा मेरे लेक्चर लेने जा रहे हैं? आप पहले क्यों? आप लिया था? ठीक है, जल्दी से लास्ट लेक्चर रिवाइज करें। ऑनलाइन वाले भी लास्ट लेक्चर जल्दी से रिवाइज करें, फिर हम आगे चलते हैं। यूएस पाकिस्तान रिलेशन, करंट अफेयर, चलें जी, लास्ट टू मिनट्स, डू इट क्विकली, लास्ट टू मिनट्स। ओके, पहले ऑनलाइन वालों में से कौन बताएगा? गौसे मुस्तफा, गौसे मुस्तफा अनम्यूट करें माइक को। आप लोगों को आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? हाँ, मुझे आवाज आपकी तो नहीं आ रही। कोई और बंदा? तहसीन, तहसीन आप अनम्यूट करो। हाँ जी बोले। आपकी हाँ, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलो, सवाल ये है, पहला सवाल ये बता दो, ऑपरेशन जिब्राल्टर किन दो कंट्रीज के दरमियान हुआ, क्यों हुआ? पहले लेक्चर दिए थे कोई? जैसे
मुझे आपकी आवाज, या तो आप लोगों को हमें बाद में मिल सकते हैं। हाँ, आईटी थोड़ा ऊंचा बोले। जो आई आपने बताया था ना कि यूएस रिलेशंस के साथ टॉपिक जो आपने लास्ट में कर रहे उसमें आपने ऑपरेशन बताया था जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर किस किस के दरमियान हुआ था, कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व, दोबारा मैंने बोले। ये सुना था, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं सुना था, ये टॉपिक अच्छा, जब ये वाला आपने नहीं बात किया, ठीक है। ये एक्चुअली ऑपरेशन जिब्राल्टर किस किस के दरमियान हुआ था, कौन बताएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान, किस जगह पर हुआ था, कश्मीर में हुआ, 1964 में। अच्छा, SEO या सीटो, सीटो जो हमने साइन किया था एक एग्रीमेंट, वो किन दो कंट्रीज के दरमियान था, या दो कंट्रीज थे या इससे भी ज्यादा थे, तो सीटो का एब्रीवेशन क्या था और कब हुआ था। ये कौन बताएगा, सना, सना बताएंगी। सना अनम्यूट करो जल्दी से, ये जो अनम्यूट नहीं करेंगे इट मींस दे आर यस एब्सेंट, सर और मैं उनको, हाँ जल्दी से मुझे बताएं कि ये जी सर सीटो जो है। सर ये सीटो हुआ था यूएस और पाकिस्तान थे, दोनों थे सर, और भी कंट्रीज थे लेकिन बेसिकली जो हमने पढ़ा था पाकिस्तान था, यूएसए था, और इसमें सर ये था 1954 में हुआ था जब एमडीएए भी हुआ था साथ, और ये था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ठीक है सना। अब आ जाए फिजिकल क्लास वाले। मोबाइल क्लोज कर दो, मोबाइल ना ओपन करो भाई, मोबाइल क्लोज कर दें। ये बताएं लास्ट हुआ है, क्यों नहीं लिया, क्या वजह थी। देखो, अगर मैं आज अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ, या वो पाकिस्तान इंडिया सॉरी यूएस पाकिस्तान रिलेशन का हाफ पार्ट करवाता हूँ, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर फायदा लेक्चर लेने का फायदा। इस तरह स्किप करोगे तो अपना नुकसान करोगे, हाफ हार्टेड जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छा नहीं होता, जब तक कि आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ ना आए। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को हिस्ट्री एज अ स्टोरी के तौर पर बताऊं, ठीक है। तो अगर स्टोरी का कुछ पार्ट आप लोगों को समझ नहीं आएगा या आप मिस कर बैठेंगे तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू क्लेरिफाई दैट, लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कलेक्ट कर लें, नीचे ऑफिस से जाकर उनसे सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो ले लें, और वो एक दिन पहले आकर रिवाइज कर लिया, सुन लिया कि क्या है लेक्चर, कौन सा लेक्चर क्या डिलीवर हुआ था, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, नेक्स्ट ऑनवर्ड भी कंप्लेन होगी इस तरह की, चलें। अच्छा, लास्ट टू क्वेश्चंस करूंगा और उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे, डन। कैरी लोगर बिल आया था, कैरी लोगर बिल कौन से साल में आया था, और अच्छा, सेंटर वन, खान साहब नहीं पता, ओविल नहीं बताया। अच्छा, अगर जो चीज मैं बताऊंगा सिर्फ वहां तक रहना है आप लोगों ने, थोड़ा सा खुद भी एफर्ट डाल लें, ठीक है। कैरी लोगर भी लिख लो, CARRY कैरी, इसको नेट से भी चेक कर लीजिएगा, LOGAL है लोगल, बी बिल, BILL, ये एक्चुअली कैरी लोगल बिल जो था ये आया था 2009 में, और ये नॉन मिलिट्री एड थी जो कि पाकिस्तान को दी गई थी। एक होती है मिलिट्री एड, मिलिट्री एड से मुराद ये है कि आपके मिलिट्री एक्सपेंडिचर को सॉल्व करने के लिए, या उनके जो एक्सपेंस हैं उनको बेयर करने के लिए जो एड दी जाती है उसको कहते हैं मिलिट्री एड, ठीक है। हाँ जी, असला भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है उसमें, टेक ट्रेनिंग भी आ जाती है उसमें, डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी आ जाती है, ठीक है, वो सब चीजें इसमें शामिल होती है, डन। अच्छा, जो नॉन मिलिट्री एड होती है उसका मतलब ये होता है कि आप मिलिट्री के अलावा जितने फंक्शंस होते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट बिल
in 21st century between Pakistan and Indian, Pakistan and US relation, and they gave us Kerry-Lowell Bill, और I think so ये end हुआ है 2014 में, ये confirm कर लीजिएगा, either 2011 or 2014. जिससे पूछूंगा ये सवाल वही जवाब दे, डन? पाकिस्तान के कौन से बॉर्डर पर अमेरिका लगता है, किस साइड पर, ईस्ट पर, वेस्ट पर, नॉर्थ पर या साउथ पर, जिसको पता हैंड रेज कर ले। ओके कैन यू प्लीज, वेस्ट में, वेस्ट में, यस वेस्ट में लगता है, वेरी गुड, ये वेस्ट वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप शेयर डाल लें, साउथ में लगा दें, कहीं भी लगा दें, ईस्ट में लगता है, देखा लोग सियाने हैं जी। सर अगर फिजिकली देखा जाए तो अमेरिका और पाकिस्तान का बॉर्डर कहीं भी नहीं लगता, लेकिन अगर अमेरिका की प्रेजेंस की बात की जाए पाकिस्तान को देखते हो तो वेस्ट में हम गेस इस सेंस में कह सकते हैं देखें, जरा मैप देखो भाई, ये है पाकिस्तान का मैप, मुझे कहीं से बताओ अमेरिका लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं चारों तरफ, इतना तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस तो समझ लो यार, देखो हमारे साथ अमेरिका कहीं भी नहीं है इस मैप में, देखो पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है, ये है पाकिस्तान, अमेरिका किधर है, तो भाई वो कहां से वहां जाकर अटैच हो गया, कॉमन सेंस है। अब देखो ये वाली चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता और वेस्ट में आप लगा कर बैठे होंगे तो एग्जामिनर तो समझ जाएगा कि बहुत सियाने बच्चे है ना, ये छोटी छोटी कॉमन, इट मीन्स दैट आप लोगों को मैप याद नहीं है, ऐसी है ना, ऐसी है ना, और ये जो इमेजिनरी बात है कि वो उसकी प्रेजेंस है, दैट इज समथिंग एल्स, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी प्रेजेंस सिर्फ, हाँ प्रेजेंस कहीं भी नहीं है, प्रेजेंस इन अ सेंस ऑफ अगर मैं कहूँ तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी है, इससे तो मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर भी है प्रेजेंस, डजंट मैटर, नहीं मुझे आप बताएं, जमीन तो गोल है, कौन सी डायरेक्शन घुमाएंगे आप, हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस साइड पर जमीन के इस साइड पर देखें तो पाकिस्तान है, उसके नीचे और इस साइड पर देखें तो अमेरिका है, हमारे बिल्कुल नीचे, मतलब हम जमीन को अगर टिल्ट करें एक साइड पर यहाँ है तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अमेरिका है, ठीक है, दुनिया में आबादी के एतबार से अमेरिका कौन से नंबर पे है, हैंड रेज करना होता है, हैंड रेज करना होता है, अच्छा थर्ड नंबर पे, और एनीवन सेकंड पे, और सारे आपने बताने, एक बताया जाता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया, एंड थर्ड नंबर पे अमेरिका, इट वाज द राइट वन, वेरी गुड। ओके रकबे के एतबार से कौन से नंबर पर है, फर्स्ट पे हैं, वेरी गुड, वेरी फर्स्ट रकबे के एतबार से रशिया, नंबर टू कनाडा, नंबर थ्री नॉर्थ चाइना, आई थिंक सो अमेरिका है, आई थिंक सो, लेट मी चेक इट, नेट पर जरा देखो जल्दी से, एंड फोर्थ वन चाइना है, आई थिंक सो, थर्ड पर कौन है, ओके चलें, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं दोबारा टॉपिक, अब मुझे ये बता दो
कि क्या मैं दोबारा आप लोगों को यूएस पाकिस्तान पढ़ाऊं या मैं नया टॉपिक पॉलिटिकल इकोनॉमी करवा दूं, नया टॉपिक करवा दूं। ओके रेडी, चले जी। व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बता दो, कोई बताएगा व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी होती क्या चीज है, एनीवन नोस? हम बहस जो कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स की, इमरान खान आ रहे हैं, शहबाज शरीफ आ गए, ट्रंप बैठा हुआ है, ट्रंप उतर गया, ओए होए इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, ओए इतनी ज्यादा प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, ये क्या है, व्हाट इज दैट? ठीक है, वेरी गुड। और अच्छा ठीक है, और एनी अदर वन? ओके एनी अदर वन? कुछ भी नहीं, कुछ भी माइंड में होया कर बताया करें, लाजमी अपने माइंड में जो चीज को क्लेरिफाई किया करें, डजंट मैटर कि वो सही है या गलत है। ओके देखो, हमारी दुनिया में बेसिकली अगर मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूं तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। देखो पहले भी नाम किया था, गन्स जर्म्स एंड स्टील जेरेड डायमंड, बताया था गन्स जर्म्स एंड स्टील जेरेड डायमंड की। वो बताता है कि इंसान जो थे जब हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर्स कब थे, जब वो चीजों को मारते थे और खा लेते थे और फिर आगे मुक कर जाते, दैट वाज द टाइम ऑफ हंटर गैदरर्स। जब हम हंटर गैदरर्स से शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा जो चेंज आता है ना, वो सबसे बड़ा चेंज आता है उस टाइम जब हमारे पास सरप्लस फूड होता है। ये सरप्लस फूड क्या होता है? सरप्लस फूड का मतलब ये है हमारे पास एक मिकदार से ज्यादा फूड का होना, ठीक है। हंटर गैदर में ये था ना कि हम फॉर एग्जांपल हमने एक बकरी जिबा की या पकड़ी, उसके पांच बंदों ने खा लिया, वो उस टाइम का खाना खत्म हो गया, फिर शाम को फिर निकले, फिर शिकार किया, फिर खाया और फिर रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में ये हुआ कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे वैसे उनके पास सरप्लस फूड बढ़ता गया, मींस उनके पास स्टोरेज, फूड की स्टोरेज बढ़ती गई। जैसे जैसे फूड स्टोरेज बढ़ती गई, अब हमें फूड की टेंशन खत्म होने लग गई कि रात को मिले, दोपहर को मिले, हर टाइम अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस फूड। जब ये सरप्लस फूड बढ़ना स्टार्ट हुआ, दैट टाइम टू ऑनवर्ड प्रॉब्लम्स वर जनरेटेड। प्रॉब्लम्स की सूरत में दुनिया में ये ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए। वो ग्रुप्स किस फॉर्मेट में, कि भाई कोई ग्रुप बन गया उस सरप्लस फूड को डिवाइड करने वाला, ठीक है, कोई ग्रुप बन गया उस फूड को प्रोटेक्ट करने वाला उसी कम्युनिटी के अंदर से, कोई बंदे बन गए उसी ग्रुप के अंदर से, कुछ बंदों ने बैठ कर फैसला किया कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना, ठीक है, और कुछ बंदों ने उन सब को बैठ कर देखना है कि कौन फैसला सही कर रहा है और कौन फैसला सही नहीं कर रहा। अब ये चार जो मेजर फैक्टर हैं, ये चार बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये चार इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? जुडिशरी। जुडिशरी बैठ कर देखती है कि कौन सही फैसला कर रहा है, कौन गलत फैसला कर रहा है। उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कौन होते हैं? लेजिस्लेटर्स, कानूनदान, भाई किसको कितना मिलना चाहिए, ठीक है। उस खाने को मजीद उठाकर देने वाले कौन है? एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मतलब ये जो गवर्नमेंट के इदारों के बंदे होते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, ये दोनों के ब्यूरोक्रेसी जितनी भी होती है ये सारे एग्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और चौथा कौन सा था? मीडिया तो अब आया है। तीन ये मेजर याद रखो, तीन मेजर की याद है, ठीक है, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये वो वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब आप देखते जाओ जैसे जैसे, अच्छा इंसान का जो शुमार जो फूड का असल हमारी जो प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है, ह्यूमन बीइंग्स का
पॉपुलेशन का एनहांस, ये भी उसी टाइम से स्टार्ट हुआ जब हमारे पास सरप्लस फूड आना स्टार्ट हुआ। उस सरप्लस फूड की वजह से हमारे पास इतनी कैपेसिटी थी कि हम अपने बच्चों की तादाद बढ़ा सकें, क्योंकि पहले हंटर गैदर्स में हम एक से ज्यादा बच्चा कैरी नहीं करते थे। जो माएँ होते थे वो कहते थे हमने अपना पेट पालना है, शिकार करना है, तो इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज मोर देन वन चिल्ड्रन, ठीक है, वन चाइल्ड। सो एट दैट टाइम टू ऑनवर्ड, जैसे जैसे फूड सरप्लस फूड बढ़ना स्टार्ट हुआ, उससे ऑनवर्ड ह्यूमन पॉपुलेशन भी ग्रो करना स्टार्ट कर दी। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो की, उसी हिसाब से हमारे मुआशरे के अंदर सोसाइटल चेंजेस आना स्टार्ट हुई, ठीक है। और उन्हीं सोसाइटल चेंजेस के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन से ये ग्रो अप करते चले गए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। और जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ी, उसी हिसाब से ये इंस्टीट्यूशन बढ़ते गए। और जैसे सोसाइटीज ने एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक मूव किया, वही कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ एम्पायर्स का, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। कुछ बातें समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है थोड़ी सी, जहां समझ ना आए कोई कॉन्सेप्ट वो लगे वो पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब हम अगर आज आकर 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी में देखें या 19th सेंचुरी में देखें, जब वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं या इवन यूरोप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हम उनमें देखते हैं एक चीज कॉमन है, इंसान अगर आप आज भी एनालाइज करो अपनी एफर्ट का, मैक्सिमम जो सर्कल है वो रोटेट कर रहा होता है इकोनॉमी के, ठीक है। मैं आप लोगों से सबसे पूछूं कि भाई आप लोग सीएसएस क्यों कर रहे हो, मेजर का कंसर्न होगा पावर और इकोनॉमी, ठीक है, ऐसी है ना। कोई अल्लाह ताला का बंदा है जो कहते सिर्फ सर मुझे सिर्फ पोस्ट मिल जाए मैं तो राह लीला काम करूंगा, कोई बंदा या बंदी? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, इसलिए आपको नहीं देंगे ना। अल्लाह ताला दे। लेकिन द पॉइंट इज दैट राह लीला का कॉन्सेप्ट, वॉलंटियर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंसान का सेकेंडरी ऑप्शन होता है, वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होती है, अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना। अब आप एक इंडिविजुअल लेवल पर देखो तो हमारी नीड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होती है इस सेंस से। इसी तरह आप स्टेट लेवल पर आओ, स्टेट भी एक इंसान होती है, यूं समझो एक आइडेंटिटी होती है, उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह दुनिया के अंदर जितनी जितनी स्टेट्स हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, आप इमेजिन करो ये सारे इंसान हैं डिफरेंट साइजेस के, और उन इंसानों में किसी के पास कोई चीज ज्यादा है, किसी के पास कोई चीज कम है, ऐसी है ना। अब उन चीजों की जंग में किसी के पास जो चीज ज्यादा है, किसी के पास कोई चीज कम है, किसी कोई हक मारना चाहता है, कोई किसी का एरिया लेना चाहता है, अब इस चीज की जंग ये किस चीज के ऊपर है, अगेन इकोनॉमी फैक्टर इज इकोनॉमी, इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक लस्ट है या गेन की डिजायर है, वो क्या करती है, स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट करवाती है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब ये आपस में एग्रीमेंट होते हैं, जब इन स्टेट्स की कोलेबोरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। उसको हम नेशनल लेवल पर कहें तो वो नेशनल पॉलिटिक्स हो जाती है, अगर उसी चीज को हम इंटरनेशनल लेवल पर कहें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो जाती है, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिक्स होती है, इसका बेसिक काम क्या होता है, बेहतर इकोनॉमी करना। किसी भी मुल्क की, किसी भी इलाके की, किसी भी कंट्री की, या किसी भी कोई भी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनका एक पर्पज होता है कि उन इलाकों की, उन लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट करना, ठीक है। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम यही, आप लोग ये याद रखो, जो पार्टी या जो भी पॉलिटिक्स अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट नहीं कर रही, अगर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, इट मींस वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। जब वो फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम होगी या नाकाम हो रही होती है, तो वो इनडायरेक्ट मींस अडॉप्ट करती है। इनडायरेक्ट मींस से मुराद लोगों को कहेंगे अल्लाह ताला की राह में देखा करो,
कम खर्ची भी अल्लाह ताला पसंद करता है, ठीक है, वो इस तरह की आइडियोलॉजीज को प्रमोट करेंगे, मजहब को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो इसके अलावा दूसरे कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, जेंडर को के बेस पर वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज अमेरिका में देखो, अमेरिका में क्या होता था जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी ड्यूरिंग ट्रंप इरा, वो उसने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, व्हाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट दे दिया। व्हाइट सुप्रीमेसी मीन जो व्हाइट ह्यूमन बींग्स हैं वो सुपीरियर हैं, सुपीरियर टू द ब्लैक वन, टू द एशियन वन, ठीक है, इस तरह की आइडियोलॉजी प्रमोट हो रही होती हैं। वैसे ये टॉपिक आप लोगों की इनिशियल ना, आप लोग स्टार्टर्स हो ना, पढ़ा तो दे रहा हूं लेकिन हजम नहीं हो रहा, मुझे भी पता है। एक काम करो आप लोग ना, पहले छोटी छोटी टर्म्स को कंप्लीट करो, लिखो छोटी छोटी टर्म्स आप लोगों ने पहले समझ लिए। तहसीम, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारे मैंने पढ़ाना था इंटरनेशनल, लेकिन अभी जो कंडीशन है मजा नहीं आ रहा, वेरी थैंक यू। चलो लिखो जरा, पहले देखो व्हाट इज इकोनॉमी, लिख लो इकोनॉमी क्या होती है भाई, व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमी, इसी के नीचे लिखो थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप लोगों ने ये पढ़ना है, इन सब पर वर्कआउट करना है, मैंने पूछना है। नंबर वन फ्री मार्केट इकोनॉमी, नंबर टू कमांड मार्केट इकोनॉमी, कमांड COMMANDE, फर्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी, नंबर टू कमांड मार्केट इकोनॉमी, नंबर थ्री मिक्स्ड इकोनॉमी, all of you should learn these topics from internet, theek hai, sirf internet se padhna hai aur aapko kahin aur jane ki zarurat nahi hai, you have to just consult Wikipedia, nothing more, theek hai, koi extra padhne ki zarurat hai to ek do aur sites ko lo, otherwise Wikipedia is more than enough, theek hai। Phir bhi baat samajh nahi aa rahi, phir aap ja kar YouTube par dekh lo, wohi topic likho YouTube par aur you have to consult it, done, लिख लो और टर्म्स लिखो, इकोनॉमिक टर्म्स और लिख लो। फिजिकल FISCAL, फिजिकल पॉलिसी, इसी फिजिकल की दो टाइप्स लिख लो, फिजिकल सरप्लस और फिजिकल डेफिसिट। Done. Current account deficit और current account surplus, दोनों terms लिखो। लिख लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट,
डन लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉनिटरी पॉलिसीज डन। अच्छा अब आ जाओ पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स में लिखो डेमोक्रेसी What is the difference between social democracy and political democracy? So, social democracy and political democracy. Okay. Next one is dictatorship. Third one is theocracy. T-H-E-O-C-R-A-C-Y, theocracy. C-R-A-C-Y, theocracy. Number fourth is oligarchy. Oligarchy, O-L-I, Oli, G-A-R-C-H-Y, oligarchy. लास्ट वन लिख लो क्लेप्टोक्रेंसी क्रेसी K-L-E-P-T-C-O क्लेप्टोक्रेसी इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा ये मुझे लग रहा डाउट है क्लेप्टोक्रेसी ठीक है चलो ये सिर्फ आप लोगों ने बेसिक टर्म्स को समझना है बस समझ के आना है कि सर हमें ये चीज समझ आ गई है इसका हमें अभी तक कंफ्यूजन है और ओपनली बताना है कि सर ये मुझे हमें कंफ्यूज कर रही है स्टेटमेंट हमें सर डेमोक्रेसी के नहीं पता क्या चीज है यू हैव टू कन्वे मी ठीक है ना हमारा काम है आप लोगों को अपडेट करना क्लियर करना आप लोगों की आइडियाज जब तक आप लोगों की ये छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होंगी उस टाइम यहाँ बैठने का फायदा ही नहीं है बात समझ लो ठीक है ना यहाँ बैठकर मैं लेक्चर डिलीवर कर दूंगा आप लोग घर चले जाओगे कोई फायदा ही नहीं होगा समझ नहीं है ठीक है ना सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू क्लेरिफाई ऑल दीज पॉइंट्स ठीक है एफिशिएंटली एक और लिख लो नीचे अब इन्हीं तीनों की ना तीन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की मिक्सर जो है तीन मॉडल्स बेसिकली दिए हैं या थ्री आइडियोलॉजीज है बेसिकली जब इनको अगर मैं दो कहूँ तो वो ज्यादा सही है लिख लो कैपिटलिज्म नंबर टू कम्युनिज्म और कम्युनिज्म को ही हम समटाइम्स कह रहे होते हैं सोशलिज्म आप सब ने आज जाकर ये असाइनमेंट है जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा आई विल ओपन योर रजिस्टर ठीक है एंड आई विल आस्क ऑल दीज थिंग्स ठीक है अच्छा आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो पाकिस्तान में इस टाइम सिस्टम चल रहा है वो कौन से मॉडल पर चल रहा है आइदर वो कैपिटलिज्म है आइदर वो कम्युनिज्म है आइदर वो सोशलिज्म है ये कौन सा मॉडल है ठीक है नेशनलिज्म इज समथिंग एल्स वो हम
थोड़ा सा आगे चले जाएंगे फिर ज्यादा। अच्छा एक और भी टर्म देख लो, चलो दो और थ्योरीज को लाजमी देख लो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, वो हर जगह इस्तेमाल होंगी। देखो एक है रियलिज्म, रियलिज्म, नंबर टू इज लिबरलिज्म। डन, बस अभी आपके लिए इतना ही, ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करना, सब ने, ऑनलाइन वालों ने भी, और मॉनेटरी पॉलिसीज, डेमोक्रेसी, व्हाट इज सोशल, अच्छा ये ठीक है निम्रा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ वापस, अभी मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला टॉपिक मैं नहीं करवाता, जब तक ये आप लोग नहीं पढ़ के आओगे, ये क्लियरफाई नहीं होगा उस टाइम तक हम पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं पढ़े। डन, वापस आओ पाकिस्तान यूएस रिलेशन पर। सॉरी ये सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में सिर्फ, ठीक है, मेजोरिटी जो है इसका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिख लो एक और चीज भी लिखो उसी टॉपिक में, खोलो देखो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, टॉप थ्री सिर्फ देख लो, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, Pakistan's rank in the world economy, and world largest democracies. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज किसकी हैं? डन, चलें जी, मुझे जल्दी से रिवाइज करवा दो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। हमने बताया था एक चीज कि हम अमेरिका की तरफ 1947 में क्यों गए, रशिया की तरफ क्यों नहीं गए, जो कि उस टाइम थी वो भी पावर थी सोवियत यूनियन की फॉर्मेट में, तो हम उस साइड पर क्यों नहीं गए और अमेरिका की साइड पर क्यों गए, कौन बताएगा? क्या जाता था? किस चीज का कॉन्सेप्ट? कम्युनिज्म, इट मींस, जो पिछले लेक्चर में मैं बोलता रहा हूँ ना, यहाँ टर्म्स वो फारिग गई है, सारी गई अल्लाह के हवाले हैं, कुर्बानी हो गई है। ठीक है, ओके, ओके, कल्चर ऑलमोस्ट सेम, पक्की बात,
कल्चर इन अ सेंस ऑफ डोमिनेटेड फैक्टर, जिन्होंने हमारे ऊपर डोमिनेशन की है, ब्रिटिशर्स, उनका जो सिस्टम था, जो हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, जो हमारे पास पॉलिटिकल मॉडल है, वो एज इट इज सेम है. ठीक है, जब एक एरिस्टोटल ने कहा था कि कोई और था, उसने कहा था अगर आप किसी कॉम को कल्चरली सब्जुकेट करना चाहते हो, अपने अंडर लाना चाहते हो, तो उनके ऊपर सिर्फ एक काम करो, उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज लगा दो, वो खुद बखुद आपके सब्जुकेट हो जाए. ठीक है, अब आप जरा इमेजिन करो, हम पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, हम फॉलो किसको कर रहे होते हैं? वेस्टर्न कल्चर को. क्यों वेस्टर्न कल्चर को क्यों फॉलो कर रहे होते हैं? वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज दैट आवर लैंग्वेज, आवर लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. हमारे मुआशरे में अगर हम इमेजिन करें या हम जनरली एक ओवर व्यू लें, बाहर खड़े हो के दो बंदे सराइकी में बात कर रहे हो और दो बंदे इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप किसको पढ़ा लिखा कहोगे? क्यों, दोनों ही लैंग्वेज है, दोनों ही लैंग्वेज है ना. अच्छा चलो, आप प्रियोरिटी किसको ज्यादा दोगे? इंग्लिश वाले को. अगर मैं आपके सामने एक बना देता हूं अच्छा सा होटल जहां देसी मक्खन और देसी लस्सी वगैरह मिलती है, दूसरी साइड पे मैकडोनल्ड बना देता हूँ, रश कहां ज्यादा होगा? मैकडोनल्ड पर. क्यों भाई? That is called Western culture की domination, जहां आप लोग अपनी चीजें पसंद नहीं करते और external बाहर की चीजों को लाइक करते हैं. इसको कहते हैं mental slave होना, mentally हम लोग slave हो जाते हैं. ठीक है, mental ये जो colonization है, mentally colonized कर देना किसी country को अपने सिर्फ दिमाग में. आजादी वैसे है बट उनको मेंटली अपने अंडर कर दो, कि उनको माइंड में बिठा दो कि जो गोरा काम करता है वो सबसे बेहतर काम करता है, जो गोरा एक्शन लेगा वो सबसे अच्छा लेगा, बाकी एक्शन अच्छे नहीं होंगे. और यही फैक्टर है कि आपके मुआशरे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है. किन लोगों का? जिनका लेट्स सपोज, अगर मैं जनरली बात करूं, ये जो गोरे का कॉन्सेप्ट है, इसी को देखते हुए हमारे मुआशरे में क्या किया जाता है, जो इवन जिनके कलर डल होते हैं उनको साइडलाइन किया जाता है मुआशरे के अंदर. है ये फैक्टर भी कहां से आया है? क्योंकि हमारे प्रीडिसेसर, हमारे अबाउ अजदाद, उनके ऊपर किसने राज किया था? गोरों ने राज किया. सो वो उनको एक माइंड में बैठ चुका है कि भाई जो गोरा हमारे ऊपर लीड कर रहा है, इट मींस जो गोरा होता है वो अच्छा होता है. दैट इज द मेजर कंसर्न बिहाइंड दैट. ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, ये अगर हम पूरा दुनिया में देखें तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर की डोमिनेशन. लिख लो, वेस्टर्न कल्चर डोमिनेशन. हाउ दिस वेस्टर्न कल्चर डोमिनेशन हेल्प्स, लिख लो, ये सवाल भी लिखो, हाउ दिस वेस्टर्न कल्चर डोमिनेशन हेल्प्स टू इंप्रूव वेस्टर्न कंट्रीज, कॉमा डालो ऊपर, एप्सिलॉन नॉट जिसको हम कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर कंट्रीज की इकोनॉमी, ECONOMY. ये क्या वजह है इस वेस्टर्न कल्चर की डोमिनेशन से, किस तरह जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को फायदा होता है? यस प्लीज, वन बाय वन, एक पॉइंट देने, सिर्फ एक एक पॉइंट देना. वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं या वेस्ट से इंप्रेस्ड हैं? ओके, जैसा कि हम बात करें पाकिस्तान की या हम बात करें इंडिया की, मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूं मुल्तान की. मुल्तान के अंदर जब मैकडॉनल्ड्स बना तो मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट पब्लिश हुई कि भाई हमारा एक साल का रेवेन्यू, सिर्फ एक साल का रेवेन्यू, बाकी जितने
रेस्टोरेंट्स हैं मुल्तान के, उनके तीन तीन साल के रेवेन्यू से भी ज्यादा है, ठीक है। इट मींस दैट विद इन अ फ्यू डेज या विद इन अ फ्यू मंथ्स उनका रेवेन्यू मिलियंस को टच कर चुका था, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट यहां से आप देखो, ये जो पैसा था ये कहां जा रहा है? एक ऑटोमेटिकली किसके पास? जो मेन चेन है, मेन ऑनर है, मैकडोनल्ड का कहां बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है, जहां भी बैठा उसके पास शेयर जा रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट मार्केट यहां है, एडवांटेज किसको हो रहा है? उनको हो रहा है। सिमिलरली और देखो, और मिसाल देखो, एप्पल चलो बड़ा ब्रांड है, और नीचे ले आओ छोटा ब्रांड, मैं अगर बात करूं पिज्जा देख लो दुनिया, आप कपड़े देख लो, आप अपनी बूट से लेकर घड़ियों तक देख लो, आप लोग लोकल मेड घड़ी को पसंद नहीं करते, हम फॉरेन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अच्छा, और उस फॉरेन प्रोडक्ट में कौन सी प्रोडक्ट को? जो वेस्टर्न कंट्रीज से आई हो, आइदर वो यूके हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, हम उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, ऐसी है। अच्छा, हम रशियन प्रोडक्ट को भी पसंद नहीं करते, ऐसी है ना। हम कभी देखा आपने वियतनाम की प्रोडक्ट ढूंढते फिर हो, वियतनाम की प्रोडक्ट मिल जाएगी, ऐसी कभी देखा? दिस इज द माइंड सेट। ये फिर क्या है, इसको हम कहते हैं, ये सर्विसेज सेक्टर है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनकी इंडस्ट्रीज को प्रमोट आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनके कल्चर की डोमिनेशन है। उस कल्चर की डोमिनेशन से क्या इफेक्ट होता है? नंबर वन, उनकी इकॉनमी बूस्ट अप करती है। किस तरह? लोकल मार्केट से, आपकी ही लोकल मार्केट से वो अपनी अर्निंग कर लेते हैं। दूसरी बात क्या होता है, दूसरा फैक्टर ये होता है कि लोकल इंडस्ट्रीज, यहां जो बंदा घड़ी बनाता होगा, यहां जो बंदा जूता बनाता होगा, उसकी इंडस्ट्री बूस्ट नहीं कर पाती। जब उसकी लोकल इंडस्ट्री बूस्ट नहीं कर पाती तो कल मुल्क के अंदर इंपोर्ट बढ़ती है और एक्सपोर्ट कम हो जाती है। लिख लो फैक्टर, लिखो सॉरी लोकल इंडस्ट्रीज सफर ड्यू टू वेस्टर्न डोमिनेटेड कल्चर। हैंड रेज करने होते हैं। हाँ बताओ। सर, इसमें क्वालिटी का फैक्टर भी तो आ जाता है कि रूरल साइकी है कि उसे अच्छे से अच्छी चीज चाहिए होती है, तो वो देखता है कि अगर एक लोकल मेड जो चीज क्वालिटी देगी उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी फॉरेन में आ जाएगी। चलें, मैं इस चीज का एक और चीज से कंपैरिजन करवाता हूँ। मुल्तान के अंदर एक होटल खुला था, दैट इज कॉल्ड ली हाओ, चाइना चाइनीज था। नी हाओ होटल खुला आपके यहाँ पिज्जा हट के साथ था, और वो विद इन अ फ्यू मंथ्स कहूँ या मैक्सिमम हार्डली वन ईयर के बाद वो होटल बंद हो गया। इसके बरक्स वेस्टर्न स्टाइल के होटल खुले, केएफसी बना, डंकिन डोनट्स और इस तरह की चीजें बनी, बट दे सर्वाइव। एंड इवन दे सिर्फ वो सर्वाइव नहीं किया, दे अर्न अ लॉट। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आई मायसेल्फ विजिटेड बोथ ऑफ दीज होटल्स, और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैं खुद ही कह सकता था कि भाई उनका खाना ज्यादा मुझे पसंद आया था। इवन दैट वाज द मेजर फैक्टर। अगर खाना भी अच्छा था, चीजें भी अच्छी थी, बट उनका सर्वाइवल नहीं हो सका। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अगेन कल्चरल डोमिनेंस, ठीक है, अगेन कल्चरल डोमिनेंस। सेकेंडली, अगर हम कंपैरिजन करें चीजों की, लोकल मार्केट की काफी प्रोडक्ट्स बाहर की मार्केट से बहुत अच्छी भी होती हैं, ऐसी है ना, लेकिन हम प्रेफरेबल नहीं समझ रहे होते, ऐसी है।
इवन हम जाकर ब्रांड से प्रेफर समझते हैं कि हम वहां से ले सिंगल कल्चर, ठीक है। अच्छा, अब इसी एंगल को दूसरे शेप में देखो, जब कंट्री के ऊपर कोई लैंग्वेज फॉलो अप होती है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरबिक हो, जब आप उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम फेस आउट होती है, आप लोग किसकी तरफ देखोगे? आप लोग उन्हीं की तरफ देखोगे ना जो अच्छा बोलते हैं, जिन्होंने असल जबान बनाई है। जब आप उनकी तरफ देखोगे तो आपकी अप्रोच क्या होगी कि काश हम वहां जाकर पढ़ सकें? ऐसे ही है एनदर फैक्टर, ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन कहां होता है? उन कंट्रीज में जाता है जहां की वो लैंग्वेज को हम फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि क्वालिटी ऑफ द पीपल, उस मुआशरे के जो एक्सपर्ट होते हैं या इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं उन कंट्रीज में, ठीक है। जब काबिल लोग चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली मुआशरा सफर कर रहा करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के सब आप लोगों के सामने मिसाल है, किसकी बला कोई मिसाल दो पाकिस्तानी, ठीक है। और MBBS भी बाहर करते हैं, इंजीनियरिंग भी बाहर कराते हैं, वो तो आप ही जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मिसाल दूं, अरफा करीम रंधावा, याद है माइक्रोसॉफ्ट की एक्सपर्ट गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, उसने कहां जाकर सर्व करना स्टार्ट किया था? USA में, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट, ये एक मिसाल है, स्मार्टेस्ट गर्ल शिफ्टेड टूवर्ड्स अमेरिका, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे आपके इनोवेटर्स, वो काम मूव कर जाते हैं ऑटोमेटिकली उन्हीं कंट्रीज। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? एक तो नुकसान ये होता है कि उस जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में स्मार्ट लोगों की कमी हो गई, पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये लोग वहां जाएंगे, वहां जाकर खाली बैठे तो नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे, और जब स्मार्ट एक्सपर्ट वर्क दिखाएंगे तो वहीं से इनोवेशन होगी, और वो जो इनोवेशन है वो अल्टीमेटली उन्हीं की इकोनॉमी को सर्व करेगी, टू फोल्ड करेगी, डबल करेगी, उससे ज्यादा इनोवेशन आएंगी और एक्सपीरियंस होगा और इंडस्ट्रीज आएंगी और अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी डोमिनेट करती रहेगी। बात समझ आ रही है? इसको भी लिखो, लाजमी नहीं है इंग्लिश में लिखा करो, उर्दू में भी लिख लिया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। क्या लिखें? ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन पैरालाइजेस द डेवलपिंग वर्ल्ड full stop. It brings innovation, economic prosperity, socialization, competitive environment, in the developed world. In the developed world. When you like
foreign products, or when you dislike your local product, that is called xenophobia. Likh lo. Xenophobia, X-E, अच्छा spelling इसकी है X-E-N-O-P-H-O-N-I-A, phobia, P-H-O-B-I-A, sorry, X-E-N-O-P-H-O-B-I-A, xenophobia. यहां तक बात समझ आ गई? अब लगाओ नीचे लाइन और लिखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. नहीं 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 नहीं, ओवरऑल वेस्टर्न कल्चर के फायदे क्या हो रहे हैं हमें, या इंग्लिश लैंग्वेज के फायदे क्या हो रहे हैं. What are the benefits of English language? ठीक है, कोई फायदा हो रहा भी है या ऐसी सारी बातें हैं? Okay. सर हम जैसे कि दुनिया लोकल पहले चला दिया तो हम अपना पार्ट प्ले करने के लिए हमें आसानी हो रही है, क्योंकि जब हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते हैं या उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं तो हम भी अपना पार्ट रोल प्ले कर सकते हैं. ओके ओके गुड. और अच्छा, उनकी लैंग्वेज से हमारे माइंड में उनके कॉन्सेप्ट्स आते हैं. वेरी गुड. ओके ठीक है. वेट ऑन और एनीवन अगर मैं इस चीज को कहूं कि आप जापान को एडमायर करें, देन आप किसी साउथ कोरिया को एडमायर कर लें, देन वो भी तो डेवलप्ड वर्ल्ड है. आप सिंगापुर को एडमायर कर लें. आप क्यों एडमायर करते हैं यूएस को, यूके को, देन व्हाट्स गोइंग ऑन? अगर मैं बात करूं दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी कतर की है, तो हमें फिर कतर को फॉलो अप करना चाहिए. क्या ख्याल है? अच्छा, फिर तो बात लैंग्वेज का लिंक कहाँ ले जा रहे हो आप? वेरी गुड. मैंने ये लेक्चर बताया हुआ है, आप लोगों को भी बताया हुआ है ना, फिर भी खड़े वही हैं. परेशान होकर नहीं देखना. देखो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज देखो, दुनिया इस टाइम ग्लोबल विलेज का बनती जा रही है. ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि सारे आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं. कैसे? बैठे आप लोग यहाँ हो, आप खुद बताओ. अभी आपको मैं कहूँ कि जनाब कोई किसी एक यूके के बंदे को आप मैसेज करो, कर लोगे? यहाँ बैठे बैठे फेसबुक पर मैसेज कर लोगे? यूट्यूब पे जाकर कोई चीज सर्च करके उस बंदे का एड्रेस जाकर देख सकते हो ना? ऐसी है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल विलेज. सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी को हम कहते हैं ग्लोबल विलेज. ठीक है. और हर एक एक बंदे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो सोशल मीडिया पर है उसको हम कहते हैं ग्लोबल आइडेंटिटी. लिख लो, सुनते रहते हो, कहूं तो भी लिखना. ग्लोबल आइडेंटिटी.
GLOCAL, ग्लोबल आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा इस ग्लोबल आइडेंटिटी में बेनिफिशियल वो होता है जो मेजॉरिटी में होता है, ऐसी है मतलब जिसकी कॉमन लैंग्वेज ज्यादा बोली जा रही है वो ऑटोमेटिकली डोमिनेट कर रहा होता है, बात समझ आ रही है ना। अच्छा अब हम अगर एनालाइज करें दुनिया की वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज को तो हमें नजर आती है यूएसए, ठीक है, सेकंड मोस्ट पावरफुल इज चाइना। अच्छा अगर हम कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेट में देखें तो सबसे पावरफुल हमें नजर आती है यूरोपीय यूनियन, ठीक है, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आती है नेफ्टा, नेफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फर्स्ट इज यूरोपीय यूनियन, सेकेंड इज नेफ्टा एंड थर्ड वन इज आसियान, आई थिंक सो ASEAN, एशियन साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, बारा लिख लो एशियन साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन आसियान। डन अब अगर हम इवन ग्लोबल आइडेंटिटी में देखें देखो हमारे पास अगर कॉमन लैंग्वेज होगी वर्ल्ड की, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, गलत, चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है, लिख लो ये, या बट वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटेड लैंग्वेजेस में से एक डोमिनेटेड लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। अब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो रहा है इन रीसेंट वर्ल्ड में, नंबर वन वी आर इंटरकनेक्टेड विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हमें पता है कि भाई अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब करें, जो बाइडन करें, जो इवन यूके में कोई काम कर रहे हो, हमें पता होता है कि उनकी क्या पॉलिसीज चल रही होती है, यहाँ की आम जनता को भी पता चल रहा होता है कि वहां क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। ओके, पहली चीज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नंबर टू इकोनॉमिक एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज इन अ सेंस ऑफ ई कॉमर्स, इन द सेंस ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस, या आप यूं कहो कि जो फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे लिए ओपन ज्यादा हो जाती है। जिन लोगों को लैंग्वेज बैरियर है उनके पास यूरोपीय यूनियन में जाकर जॉब करना, अमेरिका में जॉब करना इट्स वेरी हार्ड, rather than those person who can speak English fluently, ठीक है? So job opportunities हमारे लिए बढ़ जाती हैं, चाहे वो Indians हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, ये जितने countries हैं जिनके अंदर English language है as a secondary language, उसकी वजह से उनके पास job opportunities ना सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, बल्कि all over the world opportunities बढ़ जाती हैं, ठीक है? Even in China, one of my friend
ही मेंशनड मी कि भाई हम जब चाइना में गए तो चूंकि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी थी, राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, तो हमें वहां चाइना में भी बेहतर जॉब मिली एज कंपेयर टू चाइनीज. ठीक है, जिन लोगों को चाइनीज आती थी उनसे बेहतर हमें जॉब मिली. इट मीन्स दैट इस लैंग्वेज का फायदा आपको वहां भी हुआ. ठीक है, बात समझ आ गई. सिमिलरली ई कॉमर्स की मैंने बात की. देखो आज हम दुनिया में ऑनलाइन जॉब्स की सूरत में चले जा चुके हैं. ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम आ चुका है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम आ. अब उस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सब डेटा में कौन ज्यादा प्रिविलेज है या कौन ज्यादा पावरफुल है जिसको लैंग्वेज के ऊपर कमांड है. आप एक ही लैंग्वेज से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं दूसरे के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली उसके साथ बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे पास पता नहीं कितने सौ कहूं या अगर मैं हंड्रेड में नंबर कहूं, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, दे केम फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फॉर एग्जाम्पल रशिया, फॉर एग्जाम्पल एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड where they cannot speak English fluently. अब होता क्या है, जब वो इंग्लिश की तरह बोल नहीं कर पाते, वो मुझे अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते कि हमें क्या जरूरत है. अब जब वो कन्वे नहीं कर पाते, देखो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या रिक्वायर्ड है और वो अपनी रिक्वायरमेंट बता नहीं पा रहे, तो मैं उनका काम क्या अच्छे तरीके से करूंगा. कॉमन सेंस है ना. अगर लेट्स सपोज वो बताते हैं कि भाई जग बनाओ इस तरह और मैं उनको गिलास बनाकर देता हूं, तो वो क्या करेंगे मेरे साथ. कॉमन सेंस है ना. इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी सफर करती है. ठीक है, इससे क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से इकोनॉमिक रिसेशन आ रहे होते हैं, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो रही होती है. ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क की लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमारे पास वहां अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई पाकिस्तान इन ई कॉमर्स राइट नाउ इज इन थर्ड नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन चाइना से हम ऊपर हैं. बात समझ आ गई. आगे चलो. इसके साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट, इसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स. सोशल बेनिफिट्स ये होते हैं, हमें इजी होता है लर्निंग में कि भाई कौन सा मॉडल एडॉप्ट किया जा रहा है अमेरिका में, कौन सा मॉडल पावर्टी एलिवेशन के, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो पावर्टी को एलिवेट कर रहे हैं. ठीक है, वो वाले मॉडल्स हम यहां इंप्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटरकल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स. लिख लो. डन. अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास एक और बेनिफिट ये होता है, आइडियाज का एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है. देखो हमारी कॉम डेवलपिंग वर्ल्ड में है, हम लोग 1947 में बने हैं और अमेरिका कब बना है, 49 की बात नहीं कर रहा, बना कब है, मतलब इंडिपेंडेंस कब हुआ था. 1776 में, 4th July 1776. तो जस्ट इमेजिन दैट, हमें आज बने हुए हैं 70 साल, 74 साल हो रहे हैं, और अमेरिका को बने हुए कितने साल हो गए हैं, 250 years वो क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है,
सो आप जस्ट यहां से इमेजिन करें, एक कंट्री जिसको अभी सिर्फ 70 साल हुए, एक कंट्री जो 200 साल पहले बना रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस में तो डिफरेंस होगा ना, कॉमन सेंस है। अब उस जो एफर्ट उन्होंने ऑलरेडी की हुई है, जिन गलतियों का उन्होंने खमियाजा भुगत चुके हैं, वो गलतियां हम पहले ही अंडरस्टैंड कर लें और अपने ऊपर अच्छी चीज लेकर इंप्लीमेंट कर लें, ठीक है। सो द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नॉलेज इज पॉसिबल ड्यू टू दैट लैंग्वेज। Last but not least point, countries which have similar even languages, even political economic system, which have similar economic system, economic political system, similar languages, have less chance to conflict with each other. Languages, a political economic system, बस ये दो लिख लो। आप हिस्ट्री में उठाकर देखो, जब अमेरिका इंडिपेंडेंस हासिल कर रहा था, उस टाइम इनकी पहली और आखिरी जंग हुई थी यूके के साथ, बस उसके बाद से 200 साल से ज्यादा टेन्योर हो गया है, आज तक अमेरिका और यूके की लड़ाई नहीं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर सिमिलर लैंग्वेजेस, सिमिलर कल्चर, सिमिलर आइडियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इमेजिन इसकी मिसाल ये दूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये भी आजाद हुए हैं, इनके ऊपर अमेरिका यहो या वेस्टर्न डोमिनेटेड कल्चर्स की उनकी कोशिश नहीं हुई कि वो आकर यहाँ अटैक करके कब्जा कर, अभी हुआ है, सुना है आप लोगों ने? हाँ, उन कंट्रीज पर हुई है जहां पर ये इनका कल्चर डोमिनेट नहीं करता, डिक्टेटरशिप हो, जहां लैंग्वेज बैरियर हो, जहां लोग कन्वे ना कर पा रहे हो अपनी बात, लाइक इराक हो गया, लाइक अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, लाइक वियतनाम हो गया, लाइक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, उन जगहों पर जाकर ये अटैक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर कैसे है कि हम कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ इन कंट्रीज पर अटैक नहीं करते? उसकी वन ऑफ द मेजर रीजन ये है, ड्यू टू सेम लैंग्वेजेस द वॉइस ऑफ द पीपल कैन बी इजीली अंडरस्टैंड ऑन द इंटरनेशनल फोरा। लोग जो बोलते हैं यहाँ, अब देखो ना, हमारी मुल्क में इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कहा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ना, पूरे यूरोप में, अमेरिका में सबको पता भाई एब्सोल्युटली नॉट का मतलब क्या होता है, ऐसी है सबको पता। यहाँ कोई लिखा होता कोई और वर्ड इस तरह का, कोई दुरुस्बा या कोई और वर्ड लिखा, समझ आता आधे लोगों को, समझ आता आधे लोगों को ना आता, वो कहते पता क्या चीज है, ऐसी है ना। सो द पॉइंट इज दैट सिमिलरली, जैसे जैसे हमारी कंपेन होती है इन नेशनल लैंग्वेजेस में, इन नेशनल कल्चर में, वो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रे होती है दुनिया के सामने, ऑटोमेटिकली वो फिर इमेज बनता है कि भाई हाँ ये अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेट्स सपोज कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर लैंग्वेजेस की वजह से एडवांटेज होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को टेबल टॉक के जरिए हल कर, ठीक है ना। सो पॉइंट इज दैट दीज आर जस्ट लिटिल बिट एडवांटेजेस एंड देयर आर मेनी अदर डिसएडवांटेजेस, बट द पॉइंट इज दैट हमें दोनों एंगल से एनालाइज करना आना चाहिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। मुझे ये बताएं कोई माइंड में सवाल है, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, मस्ट आस्क मी। हाँ, टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक बहुत पहले हो गया, और आप वो वाला लेक्चर ले लो, ठीक है, फिर बहस कर लो। और
90% मिलता है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पीपल टू पीपल लेवल पर जाएं तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आते। फॉर एग्जांपल हमारे एक्ट्रेसेस या एक्टर्स उठकर इंडिया जाते हैं, उनको भी वही लिवरेज मिलती है जो इंडियंस को मिल रही हो। ऐसी है मायरा खान ने जाकर वहां मूवी बनाई शाहरुख खान के साथ, उसको वही इंपॉर्टेंस दी गई, वही वैल्यू दी गई। आतिफ असलम साहब जाते हैं इंडिया, वहां जाकर गाना गाते हैं तो उसको भी वही इंपॉर्टेंस दी जाती है जो यहाँ दी जा रही होती है। वसीम अकरम देख लें, इमरान खान देख लें, जो भी जाता है। सो पॉइंट इज दैट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा पीपल टू पीपल लिंक है, अभी भी इंडिया और पाकिस्तान को सेम है। वहां के लोग भी नफरत नहीं करते पाकिस्तानियों से एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो है ज्यादा। अच्छा, अब उन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट में किसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है? मिलिट्री टू मिलिट्री, दोनों की मिलिट्री जो है वो ज्यादा एंगेज होती है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अपनी रिक्वायरमेंट है, बहुत चल लूं दुबई चले जाएं, दुनिया के किसी भी पोर्शन में चले जाएं, पाकिस्तानी और इंडियन मोस्टली इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं दुबई में, वो बताते हैं कि हम पूरी दुनिया के अगर लेट्स सपोज 50 बंदे खड़े हैं तो इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी लोग दूसरे साइड पर, क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेजेस हैं, कॉमन कल्चर्स हैं, कॉमन नॉर्म्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी लोग दूसरे साइड पर। ठीक है, ये दैट वाज अ मेजर रीजन। और इंशाल्लाह टाइम आएगा जब ये जो आपका ये जो साउथ एशियन बेल्ट है ये भी एक यूरोपीय यूनियन के मॉडल के ऊपर वर्क करेगी विदाउट एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन। हम इंटर कोलैबोरेट करेंगे, फ्री ट्रेड इंडिया वाले यहां आकर भी देख लेंगे सब कुछ। ठीक है ना, एनीथिंग? चलो, समझ भी आया है कुछ? बहुत कुछ ऊपर से भी गया है। ऑनलाइन वालों को आप सर आपके कितने लेक्चर हो चुके हैं? सुमाविया खान, सुमाविया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अब ये जाकर मैडम से कंसल्ट कर लें, उनसे कंसल्ट कर लें जितने हो गए हैं वो आपको सही बता देंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन में से? 7 ऑलमोस्ट, ओके। कोई सवाल है तो जल्दी से बता दें, अदरवाइज थैंक यू। चलो जी।